भाजपाइयों ने दिल्ली का हवा खराब कर दिया है। ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आदमी दिल्ली से आए और मंच सजा करके आपको समझाए कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है। आप रोज अपना जीवन जीते हैं, आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। जब आप अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार लेकर के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। जब आप झोला लेके बाजार में अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जाते होंगे तब आपको समझ में आता होगा कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। पेट काट करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस देश के नौजवानों ने मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख निकलती जा रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मराठवाड़ा का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, और आप देश के अलग अलग इलाकों में घूम लें। आज किसानों की हालत यह है कि किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है, और ये आंकड़ा सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और औसतन हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये आदमी यहां खड़ा होकर के निगेटिविटी फैला रहा है। मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं। जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। हम एक दूसरे से अपना दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में कौन से तबके के लोग हैं जो परेशान हैं, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज उनकी परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये 2014 से होना शुरू हुआ है। ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि गरीबी की समस्या 2014 से शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि किसान की आत्महत्या 2014 से शुरू हुई है, ऐसा भी नहीं है कि इस देश में बेकारी 2014 से हुआ है। आखिर कौन सी वो बात है जो 2014 से हुआ है, इस बात पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मुझे याद करके बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा किस साल का मुद्दा था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, और बाबरी मस्जिद इसलिए गिराई गई ताकि राम मंदिर बनाया जाएगा। मंदिर नहीं बना, मस्जिद गिराई गई थी मंदिर बनाने के लिए, मंदिर नहीं बना, लेकिन भाजपा 2 बार सरकार बना चुकी है, फिर से मंदिर का मुद्दा हमारे सामने लाया गया है। मैं भी कहता हूं कि गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों के जो जीवन के सवाल हैं, महिलाओं की सुरक्षा, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और जो कृषक जातियां हैं, आप नजर दौड़ा करके पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जो कृषि आधारित जातियां थी, जैसे यदि आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जो मराठा कम्युनिटी है वो आज आरक्षण की मांग कर रहा है, जो काश्तकारी का काम करते थे, जो मुसलमान हैं, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो धनगर हैं, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र के बगल में, पाटीदार लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऊपर आप हरियाणा जाएंगे तो जाट लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान जाएंगे तो गुजर लोग अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है कि खेती लगातार अलाभकारी होती जा रही है। किसान मजबूरी में किसानी कर रहा है, वो किसानी छोड़ देना चाहता है। इसीलिए देखिएगा कि वो अपने बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहता है, वो शहर भेजता है ताकि वो किसान नहीं बने,
वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस में जाए, फौज में जाए, सरकारी नौकरी करे, निजी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन वो किसान नहीं बनाना चाहता है। धीरे धीरे स्थिति ये पैदा हुई है देश के भीतर कि जितनी कृषक जातियां थी उसके भीतर भारी असंतोष पैदा हुआ है। मुद्दा 2014 के पहले का है, लेकिन 2014 में जो सरकार बनाई गई वो किन वादों के साथ बनाया गया था आपको याद होगा। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा उस पर लगाया गया था, और उसके बगल में तरह तरह के नारे लिखे गए थे, जैसे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है कि नहीं है? बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, ये सारे नारे लगाए गए थे। इन नारों के संबंध में प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार भी आपने सुना है कि उन्होंने अपने मन की बात में कहा हो कि इस बार हम अमेरिका घूमने नहीं जाएंगे, मराठवाड़ा के उन किसानों से मिलने के लिए जाएंगे जिन्होंने खेतों में आत्महत्या कर ली है, उनके परिवारों से मिलने जाएंगे। एक बार भी उन्होंने अपने मन की बात में कही है कि जिन दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार हुआ है उन दलित परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे। एक बार भी उन्होंने कहा है कि जो लोग सफाई कर्मी हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, गटर में उतरने का काम करते हैं, और गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से जो उनका मौत हो जाता है उन परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे, एक बार भी आपने सुना है? वो कहाँ जाते हैं? प्रियंका चोपड़ा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, और कहते हैं इनके जो समर्थक हैं कि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अरे आप इतिहास ठीक से नहीं पढ़े हैं, हम इतिहास को बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं। दुनिया में भारत का नाम आपका मोहताज नहीं है, दुनिया को इस देश ने जीरो दिया है। ये आर्यभट्ट का देश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संभाजी महाराज, वीर शिवाजी का देश है। यह देश आपके नाम का मोहताज नहीं है। इसको कहते हैं कि दूसरे के काम को अपने नाम कर लेना। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल जनरल हुडा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बिना मतलब की मीडियाबाजी की गई। मतलब ये कि जिस किसान की मौत खेतों में हो रही है उसके बच्चे सीमा पे खड़ा होकर के अपना जान झोंक करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, ना उस जवान के पिता को उनके फसल का दाम मिल रहा है, ना ही वो जो जवान जो किसानों के बच्चे हैं उनको उनके काम का क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट सरकार ले रही है। बार बार अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा लगता है कि हेलमेट लगा करके मोदी जी खुद ही गोली चलाने के लिए गए थे। मरे खेत में किसान, शहीद हो उसका बेटा जो है जवान, और नाम किसका हो? मोदी जी का। ये जो राजनीति है इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके फसल का बीमा का अधिकार नहीं मिल रहा है, और किसानों को जो बीमा देने वाली जिस पे ये बड़ा बड़ा विज्ञापन करते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, किसानों को बीमा देने वाली कंपनी को एक साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है, दूसरी तरफ एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और जो जवान हैं जो इन्हीं किसान मजदूर परिवारों से आते हैं, जब उन जवानों ने सरकार को कहा कि आप हमारा काम
अपने नाम करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे काम का मेहनताना तो हमको दे दीजिए। जब इस देश के सैनिकों ने सरकार से कहा कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए तो सरकार ने कहा कि खजाने में पैसा नहीं है, हम आपका वेतन नहीं बढ़ा सकते। अब एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते होंगे। जब पुराना पेंशन को खत्म किया जा रहा था तब सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था, और मैं याद दिला दूं, उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, सरकार ने कहा था कि खजाने में पैसा नहीं है, सब्सिडी का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है, इसीलिए पुराना पेंशन योजना समाप्त कर दिया जाए। तो जब इस देश के आम लोगों का पेंशन समाप्त किया जा सकता है तो इस देश के सांसदों और विधायकों का पेंशन क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए? 10 दिन के लिए भी यदि कोई सांसद और विधायक हो जाए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन कोई मास्टर, कोई सिपाही, कोई क्लर्क, कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी गुजार दे लेकिन उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। कभी सोच करके इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। और यह बात मैं आपको कैटेगरिकली बता रहा हूं कि सरकार जिन कामों का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, दरअसल वो सारा काम, वो सारा बोझ उसने जनता के कंधे पे डाल दिया है। मोदी जी कह रहे थे ना कि मेरी माँ लकड़ी पे खाना बनाती थी, उसके आंख से आंसू निकलता था। अरे मोदी जी, आपकी माँ की ही आंख से आंसू नहीं निकलता है, किसी की माँ लकड़ी पे खाना बनाएगी तो उसके आंख से आंसू निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आंख से आंसू निकलेगा या मोदी जी के माँ के आंख से आंसू निकलेगा लकड़ी पे खाना बनाने के चलते और मेरी माँ के आंख से नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आप माँ माँ है और बाकी लोगों की माँ माँ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बेटा है और बाकी के बेटों का कोई महत्व नहीं है। आप यदि अपने माँ के आंख का आंसू देख सकते हैं तो कभी रोहित बेमुला के माँ का आंख का आंसू भी देख लीजिए, कभी नजीब के माँ का आंख का आंसू देख लीजिए, कभी अकलाक की पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए, और अभी जिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की गई है बुलंदशहर में, उसके बेटों के आंख का आंसू देख लीजिए, उसकी बहन और उसकी पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए। ये क्या है? ये मार्केटिंग है कि आपका पैसा आपसे वो छीन रहे हैं और आपको जो वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वो लॉलीपॉप देते हुए वो समझा रहे हैं आपको कि वो कितने महान हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के सरकार ने प्रचार किया कि हम तमाम गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बार बार इस पे ढोल पीटते हैं। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से गैस सिलेंडर के दाम के बारे में आप कभी सुने हैं कुछ? इतनी चर्चा होती है उज्ज्वला योजना की, लेकिन गैस सिलेंडर कितने में मिलता है इस पे कभी अमित शाह का आपने कोई बयान सुना है? और उज्ज्वला योजना की सच्चाई क्या है कि आपका टोपी घुमा करके आपके ही माथे में पहनाया जा रहा है। जो सब्सिडी देने की बात की जा रही है, दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूल किया जाता है। और सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो हमने जनधन योजना शुरू की है उस जनधन योजना के चलते सरकारी योजना में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। ये सरकार का दावा है। अब एक बात हमको आप सोच करके बताइएगा, जो लाल कार्ड योजना के तहत लोगों को 3 रुपए किलो चावल मिलता था, आपको 15 किलो चावल मान लीजिए मिलता है, तो 15 या 45 रुपया हुआ, 45 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा, आप 15 किलो चावल मार्केट से खरीद लीजिएगा। इस बात को आप सोच करके देखिए कि कैसे इस देश की जितनी भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं थी उसको एक एक करके समाप्त कर दिया गया और हमसे हमारा सब्सिडी छीन करके इस देश के पूंजीपतियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में जो टोटल एनपीए है, एनपीए मतलब ये है जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया और बैंक को वो पैसा वापस नहीं किया गया, उसको एनपीए कहा जाता है।
इस देश में जो टोटल एनपीए है वो 10 लाख करोड़ है, और इस 10 लाख करोड़ का जो 90% से ज्यादा कर्जा है वो इस देश के 250 परिवारों को दिया गया है, और उसमें से 3,16,500 करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट का माफ किया गया है, और इसी माफी का लाभ उठा रहे हैं मुकेश अंबानी के एक भाई हैं अनिल अंबानी, जो बैंक का पैसा नहीं लौटाया है, जिसके पास बैंक को पैसा लौटाने के लिए नहीं है, उसको इस देश में राफेल का ठेका दे दिया गया है। और ये राफेल का ठेका क्यों दिया गया है? ये राफेल का ठेका इसलिए दिया गया है कि आप लोग भी थोड़ा इतना तो समझते होंगे ना, दलाली क्या होता है? दलाली ये होता है कि किसान खेत में गोभी उपजाया तो साहूकार जाएगा और साहूकार 5 रुपए किलो उससे गोभी खरीदेगा, और उसको लेकर के जब वो मंडी आएगा तो वहां पे दलाल घूम रहा होगा, और वो दलाल जो है वो कहेगा कि हम आपका गोभी 20 रुपए किलो में बिकवा देंगे, आप हमको 5 रुपया दलाली दे दीजिए। अब वो 20 रुपया में उसको बिकवाएगा तो वो जो दलाली का पैसा है अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा? जब हम झोला लेकर के गोभी खरीदने के लिए जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा। जो राफेल का दाम पिछले बार लगभग 600 करोड़ रुपया था वो बढ़ा करके 1600 करोड़ रुपया कर दिया गया, और ये 1600 करोड़ रुपया क्यों किया गया? ताकि इसमें कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाया जा सके, और इस पे कोई चर्चा नहीं हो, इस पे कोई बात नहीं हो, इसीलिए अंबानी साहब के जो चैनल है वो दिन रात राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा ये सवाल पूछते रहते हैं। कौन सा ऐसा समुदाय है इस देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? कोई ऐसा नहीं है। आपके ही महाराष्ट्र के एक महान फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है आनंद पटवर्धन। जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त के जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम है राम के नाम पर। मौका मिल जाए यदि व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलने से और फुर्सत मिल जाए तो इस फिल्म को देख लीजिएगा कि किन परिस्थितियों में मस्जिद तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई, और उसको तोड़ने के बाद देश में कैसे हालात पैदा हुए। उस वक्त जैसे आपका ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है आमो खास मैदान, उसी तरीके से बिहार के पटना में भी एक ऐतिहासिक मैदान है जिसका नाम है गांधी मैदान, और उस गांधी मैदान में देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता ऐसे ही एकजुट हुए थे, जैसे आपके औरंगाबाद के अलग अलग पार्टियों के नेता यहां बैठे हुए हैं, और उसमें तमाम लोगों के भाषण हैं। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नागपुर के रहने वाले थे कॉमरेड एवी वर्धन का भी भाषण है। कॉमरेड एवी वर्धन जिनको कम्युनिस्ट समझा जाता है और कम्युनिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि ये धर्म को नहीं मानते हैं, वो अपने भाषण में कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बाकी कोई बोलेगा तो आप कहिएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहा है, माने मोदी जी मंदिर जाते हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा होती है और राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो वो वोट बैंक होता है। ठीक बात है, ये उनकी समझदारी है। तो वर्धन साहब कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात की जिद नहीं कीजिए कि मस्जिद तोड़ करके ही मंदिर बनाएंगे। वो ये कहते हैं कि अयोध्या का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम से पवित्र नहीं है, आप कहीं भी बना लीजिए। कहने का मतलब यह है कि कणकण में राम बसते हैं तो आप मंदिर बना लीजिए, लेकिन यह हठ मत कीजिए
कि मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। तो मस्जिद तो टूट गई, बाबरी मस्जिद टूट गई ना, मंदिर बना। दोस्तों इस बात को समझिए कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, सरकार बनाने के लिए मंदिर तोड़ी गई, मस्जिद तोड़ी गई थी। क्योंकि ये राम के भक्त नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए, ये नाथू राम के भक्त हैं। और इन इन नाथू राम के भक्तों को ये बात मालूम थी कि सरकार मंदिर बनाने से नहीं मस्जिद तोड़ने से बनेगी। और सरकार बनी कि नहीं बनी? सरकार बनी ना।